अरे यहाँ पे तो इन्होंने पूरी मिलिट्री की फैक्ट्री खोली हुई है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम है जॉर्ज, जैसे कि आप देख सकते हैं हम फिर से अपनी BMW में हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो मुझे पता है, बाहर रोड पे खड़ी मिली। सो मुझे पता नहीं कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रही थी। चलो किसी ना किसी ने यहाँ पर चला के छोड़ गया होगा और मैंने ले ली। सो गाइज, आज हम कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं। तो रिच किड जो कि हैं, उनका मतलब कि मुझे खबर मिली है कि वो अंडरग्राउंड माफिया हैं। हाँ, तो अंडरग्राउंड माफिया, तो उनका एक घर है वहाँ पर, 3 प्रॉपर्टीज हैं और उनमें से एक प्रॉपर्टीज में मैं गया भी था यार। ओके, सो गाइस, वो आसपास वो 3 प्रॉपर्टीज में सारे के सारे ये आसपास के अंडरग्राउंड लोकल माफिया रहते हैं, एक दूसरे को ऐसी सिग्नल भेजते रहते हैं। सो गाइस, आज हम जाएंगे उनके घर के पास। तो इतना पता नहीं कि भाई क्या नाम है, वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी होगी, या खुद वो होंगे भी सही या अंदर या नहीं, या उनके नौकर चाकर यहाँ वहाँ बैठे होंगे, आई डोंट नो। बट वी आर गोना गो देयर एंड सी यार क्या क्या होते यार उधर, क्या मिलता क्या है हमें। सो गाइज, हमने जो है उनकी लोकेशन तो डाल दिया। गाइज, इस प्रॉपर्टी के पास मैं गया भी था एक्चुअली, और इस प्रॉपर्टी के पास मैं गया भी था, और ये भी नहीं कि प्रॉपर्टी है वन ऑफ देम। सो गाइज, ये इनके जो लोकल जो ये डीलर है ना, इनके जो अंडरग्राउंड जो काम करते हैं, ये आसपास ही रहते हैं। अरे बुढ़िया पीछे हट यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आइयो। ओके, सो गाइज, हम उनके घर के अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या है उनके घर के अंदर। और मैंने ये भी सुना है कि इनका छोटा सा चाइना टाउन भी है जहाँ पे गन वगैरह ये बनाते हैं। सो गाइज, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, अगर आप न्यू हो इस चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अरे यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ये धमाके यहाँ पर इस चैनल पर होते रहते हैं। सो गाइज, एनीवेज, लेट्स गो बूस्ट द बाद यह है। सो मैं बस ऐसे ऊपर जाने की क्या नाम है कोशिश कर रहा हूँ। सो आई गेट टू सी द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अबव। तो पहाड़ी ये वोरी, ये 3 प्रॉपर्टीज है गाइज, वो एक दूसरी के ऊपर मैं गया हूँ, छोटी वाली पर भी मैं गया हूँ, तो ये जो उनसी लाल वाली है उसके ऊपर जाने हमें। सो अरे यार, पानी में मत जा, ओ बच गए यार, बाल बचे। सो गाइज, ओके, बस हम पास में ही हैं एंड वी हैव टू गो देयर। मुझे लगता है कि ये खुद वहाँ पर रहते हैं, बिकॉज मैंने सुना है, मेरे खबरी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये जो उनसी अपार्टमेंट है, इनका जो घर है बहुत ही लग्जोरियस है, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू हैं इनके पास। तो इसीलिए ये आई थिंक कि इधर ही रहते हैं। सो गाइज, मैंने अपनी गाड़ी तो रिपेयर कर दी, बट अब हमें वहाँ पर जाना है। सो हम गाड़ी को यहाँ पे छोड़ देंगे, हमें गाड़ी को यहाँ पे छोड़ना है एंड वी आर गोना गो देयर ऑन फुट। तो भाई वॉक करके जाएंगे, जैसे मर्जी जाएंगे यार, बट जाना ज़रूर है, उनके घर को एक्सप्लोरेशन करनी है। सो गाइज, वो मेरे साथ मतलब कि बातचीत करते रहते हैं, भाई आ जाओ घर में, आ जाओ हवेली पे आ जाओ, बट मुझे नहीं पता था कि भाई ये माफिया और मेरे से काम भी ये निकलवा सकते हैं। मतलब कि इनका काम, अगर इन्होंने बोला कि भाई ये काम कर ले, सो गाइज मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके घर पर भी गया था और इनके साथ बातचीत भी हुई थी। सो वी आर गोना गो देयर एंड सी हाउ देयर हाउस इज। यार मैं पता है छुप छुप के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उन्हें पता ना चले कि भाई मैं इनके घर पे आया था और मुझे इनका पता चल गया, ठीक है ना। सो गाइज, इसलिए मैं इधर उधर से जा रहा हूँ, रोड से नहीं जा रहा, क्योंकि उनके रोड पर फौजी वगैरह जो है खड़े होंगे। हाँ, ये मुझे पता है, ये मुझे गारंटीड पता है। इनके पंछी भी इनके अपने होंगे, इनके पर कैमरा ना लगाओ यार पंछियों के ऊपर। एनीवेज, ओके, वी आर गोइंग देयर। तो हम वहाँ पर राम राम से जा रहे हैं। सो बस पास में ही है आई थिंक की प्रॉपर्टीज, वो रही गाइज, वो सामने वाला घर है, वहाँ पे जाना है हमें। ओके, एंड छुप छुप के जाना है ऑब्वियसली यार। अरे यार खरगोश, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से निकलो यार, इधर बड़ी बड़ी डीले हो रही है। ओके गाइज, चलो चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर इनके फौजी वगैरह या बॉडीगार्ड ने किसी ने देख लिया ना, तो फिर मैं तो गया, मैं गया उनके जाल में, मैं फंस जाऊंगा, कसम से कह रहा हूँ मैं गया फिर। ओके बट लेट्स होप कि नहीं फंसेंगे। यहाँ पे आगे तो बढ़ गए, मुझे अच्छा, ये इन्होंने पेड़ यहाँ पर इसलिए लगाए हुए हैं कि जो बंदा वहाँ से आए पहाड़ी से, ताकि घर इतना अटेंशन में ना आए। ओके आराम आराम से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। ओके दिस लुक्स अ नाइस हाउस यार, खतरनाक घर लग रहा है यार, ओ माय गॉड, खतरनाक घर है। ओ यार मैं तो फ्रंट एंट्रेंस में आ गया। एक मिनट, एक काम करता है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ी के ऊपर से देखते हैं। सो गाइस दिस इज द हाउस यार, माफिया का घर है यार, रिच किड माफिया यार, बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये, हाँ मैं कह रहा हूँ। ओके सो दिस इज देयर ड्राइववे, तो यहाँ से नहीं उतरते, एक काम करते। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ अभी किसकी आवाज़ आई? नहीं नहीं नहीं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई। अच्छा तो इन्होंने जेट स्कियाँ वगैरह तैयार रखी हुई हैं कि भाई जैसे ही कोई ना कोई पंगा हो तो जेट स्की निकाल के सीधा सामने पानी में, समुंदर में से झट से निकल जाएंगे। सो ओके दे हैव अ कार एज वेल, चीता जो कि इन्होंने कवर की हुई है, चलो कोई बात नहीं, जेट स्की भी है इनके पास। और खिड़कियों में से देखते हैं कि यार क्या है छोटा। ओ ओ ओ नो 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 नो, बंदा बैठा हुआ है, इसको हमें अगर, अरे यार मार भी नहीं सकते यार। सो गाइस देयर इज अ नाइस फ्रंट गार्डन एरिया, ओ तेरी पुलिस ना आ जाए यार, गार्डन भी है इनका। ओ यार खतरनाक, वैसे घर तो इसने अच्छा बनाया। ओके आई एम गोइंग इन साइड, तो फटाफट से मैं पता है लगता है ये नौकर है इसका, कुछ कामचार है नहीं। मार इसे, मुझे इसकी तोड़ दे। ओ गया, लिटा दिया मैंने इसे, लिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। सो गाइस आई थिंक कि ये किचन और डाइनिंग एरिया जहाँ पर ये बैठते उठते हैं, खाना पीना खाते हैं, और बस लग्जरी खाना खाना है इनका। तो बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है पता नहीं किसकी। ओके आई हैव टू गो, सो दिस वॉज द एंट्री, लेफ्ट साइड में वो था। ओ तेरी स्विमिंग पूल, मिनी स्विमिंग पूल, अरे यार एक तो कितने इन्होंने ये पानी वाले ये बनाए हैं यार घर में। ओह यहाँ पे कौन है? अरे बुढ़िया, इनकी नौकरानी, भागिए मत, इसे भी मार। ये तो चलो इसी लाश तो दिखेगी नहीं। ओके देयर इज अ लिटल मिनी जकूजी टाइप जो है टब है यहाँ पर भी। ओके पूल के टेबल, टेनिस के टेबल यार, मतलब कि आई थिंक ये इनका खुद का घर है। हाँ सो नीचे इनका बस किचन वगैरह एरिया। वो तेरी क्या नज़ारा है, ये पक्का इनका घर है। हाँ इनके नज़ारों से पता चलता है और इनके घर से पता चलता है यार। एक मिनट यहाँ पे क्या है? वार्निंग कैमरा इन ऑपरेशन। ओ तेरी नीचे भी है इनका, नीचे, ओ माय गॉड, नीचे इनके औजार वगैरह हैं। प्राइवेट जिम, ओके, नहीं, अरे ये वो है। अच्छा इन्होंने यहाँ पर ये जो कैदी इनके होते हैं ना दुश्मन, जिनका एक्सपेरिमेंट वगैरह करना होता है, यहाँ पे रखते हैं ये इन्हें, और उनकी मतलब आपको तो पता ही है भाई ये इनका क्या करते हैं। ओ माय गॉड दिस इज स्केरी यार। ओ तेरी इनके ये मिशन वगैरह जो चल रहे हैं यहाँ पे, कसम से यार ये, ओ माय गॉड, पूरा मैप लॉस एंजेलिस की सिटी का मैप, ऊपर फोटो है, कंप्यूटर, तेरी कितने कैमरे की स्क्रीन है यार, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अच्छा है कोई नहीं है इस घर में, नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या है, नीचे। ओ तेरी यहाँ पे तो इन्होंने पूरी मिलिट्री की भाई औजार की यार फैक्ट्री खोली हुई है यार, कितनी गोलियां, ओ माय गॉड, वेपन्स, गोलियां, बम, बारूद यार खतरनाक है यार, हर एक गन, मिनी गन पड़ी है, बजूका पड़ी है, AK-47 पड़ी है यार, शेट खतरनाक है यार ये कोई ना कोई मिशन कर रहे हैं ये, एक काम करते हैं। अच्छा तो नीचे इनका सीक्रेट, ओ हो फिंगरप्रिंट के क्या नाम है, सिक्योरिटी लगी हुई है। सो बस हमने तो समझ लो कि ब्रेक तो कर ही लिया। माय गॉड ओके अनदर सिटिंग एरिया, सो गाइस दिस इज डेफिनेटली, उतरी बाहर कौन है, ओ यार मुझे देखने ले, उनका बॉडीगार्ड आई थिंक, मुझे देखना ले यार, वो बाहर घूम रहा है। आराम आराम से चलते हैं अंदर से, बाहर देखे नहीं यार मुझे, बस देखे नहीं, अगर उनकी नज़र में आ गया तो मैं गया। ओके दिस इज देयर अनदर सिटिंग रूम, तो यहाँ पर ये रिच किड जो हैं पियानो वगैरह बजाते हैं। ओके
ओह दिस इज देयर बेडरूम, क्या खतरनाक टीवी लगा हुआ है यार, क्या लग्जरी में जी रहे हैं यार। एनीवेज गाइस, ये रहा इनके टॉयलेट वगैरह, हाँ ये हैं इनके, ये चीज़ें हैं इनकी। ओके लिटिल मिनी जैकूजी एज वेल, एक मिनट वहाँ पे क्या है, इधर क्या है, इधर ओ तेरी अन ओ ड्रेसिंग रूम, अच्छा यहाँ पे ये नौजवान थे। ओ तेरी क्या खतरनाक ज्वेलरी रखी हुई है लौंडे ने। ओके एनीवेज आगे चलते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि इधर कुछ ना कुछ और होगा। बालकनी, अच्छा गाइज दिस इज इट, रिच किड ऑफिशियली, मुझे लगता है कि माफिया है यार, क्योंकि नीचे उन्होंने बम बारूदों की फैक्ट्री खोली हुई है और ऊपर इन्होंने अपनी लग्जरी लिविंग बनाई हुई है, वो भी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, वो भी फिंगरप्रिंट वाले। सो गाइज ये हाई लेवल सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ करने वाले हैं ये। सो गाइज आई थिंक ये तो इसका तो अगली वीडियो में पता चलेगा कि भाई ये चाइना टाउन में इन्हें पकड़ते हैं या कहाँ पे पकड़ते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेक केयर, बाय बाय।